हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज औरंगाबाद और जो कुछ सामान वगैरह लेना है तो वो लेने हम लोग जा रहे हैं मेहर भाई। और काफ़ी दिन से मेरा चल रहा था बट बारिश का मौसम हो रहा था, कभी बारिश हो जाती इस वजह से हम लोग नहीं जा पाते। तो आज हम जा रहे हैं, मैं हनी हूँ और भाई आरफान से मिलेंगे, देखेंगे जो मुझे सामान लेना है और वो सब लेंगे और जैसा ऐसा रहेगा वैसे वैसा आपको मैं बता दे रहा हूँ। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हनी रेडी हो गई है और मैंने भी फाइनली नकाब लगा लिया है, तो हम लोग अब निकलेंगे जाने के लिए। और यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं हाईवे पर। ये देखिए हाईवे लग चुका है और जी देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और हमारा जो गांव है ये काफ़ी पहाड़ी इलाका है, ये देखो ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और अभी बारिश का टाइम है तो सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए घने घने जंगल है और अभी आ गया है समृद्धि हाईवे। ये देखें, ये बहुत बड़ा हाईवे है और उसके बाद में आ जाएगा औरंगाबाद। और हनी को नींद आ रही है, ये देखिए दिल्ली गेट आ गया है और हनी सो गई और हम लोगों ने एंट्री कर दी अंदर। और हम जाना है मार्केट, तो हम लोग चलते हैं मार्केट। ये जो एरिया है ये है चेलीपुरा और जी हमें जाना है सिटी चौक, तो हमें इधर से ही जाना है क्योंकि यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है। ये पूरा चेलीपुरा एरिया है और जी हमें सिटी चौक जाना है। और काफ़ी रश है क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। काफ़ी रश है, गाड़ी निकालना भी हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई थी। फाइनली हम लोग आ गए हैं सिटी चौक में और मुझे जाना है सबसे पहले कपड़ों की शॉप पर, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। ये देखिए कितना रश है मार्केट में और जी मुझे सूट लेने हैं। तो फाइनली मैं आ गई हूँ कपड़ों की शॉप पर और जो मुझे कपड़ा चाहिए था वो ऊपर है। और ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना मेरे लिए काफ़ी हार्ड हो गया था क्योंकि काफ़ी गैप है। और यहाँ से मुझे लेना था रियॉन का कपड़ा अपने लिए, मतलब मैं दो तीन सूटों के लिए लेने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ कपड़ा काफ़ी थोड़ा पतला नज़र आया इसलिए फिर मैंने एक ही सूट के लिए यहाँ से कपड़ा लिया है। और ये जो है ब्लैक कलर का, ये कॉटन है, जाम कॉटन। ये देखिए ये वाला मैंने लिया है, ये देखिए तो काफ़ी मुझे कपड़ा पतला लग रहा था। उसके बाद हम डायरेक्ट मेरी चचेरी बहन के आ गए अफान से मिलने और मैंने आगे कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हनी मेरे पास थी। और ये देखें फ्रेंड्स, ये दो पैंटें हमने अफान के लिए ली थी क्योंकि उसके जो पजामे वगैरह ना वो जल्दी फट जा रहे हैं, इस वजह से फिर हमने यहाँ से दो पैंटें उसे वाइट कलर की ले ली। ये लैकरा की पैंटें हैं, लैकरा लैकरा जो भी बोलते हैं, ये उसकी पैंटें हैं और जी ये मतलब उसकी पठानी के अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। ये सोच के हमने दो ले ली, फ़िलहाल में जब अफान आएगा छुट्टियों में तो उसे दो तीन ड्रेस और सिलवा देंगे पठानी पहनने के लिए। और फिर यहाँ से हमें निकलना भी है जल्दी, तो हम आ गए फिर एक शॉप पर जहाँ से हमें बच्चों के लिए साइकिल वगैरह लेनी थी या फिर स्कूटर टाइप कुछ। तो फिर हमने ये शॉप पर आए, ये देखिए, और हमें काफ़ी टाइम हो रहा था, हनी बहुत सता रही थी। यहाँ से हमने दो चीज़ें सिलेक्ट की और वो ले ली जो कि जो ये भाई हैं उन्होंने हमें अच्छे दाम में मतलब हमारे हिसाब से वो सब चीज़ें दे दी। और इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, ये देखें मतलब बड़ी साइकिलें, बच्चों की चीज़ें, हर चीज़ थी यहाँ पर। और फिर हम लोग घर आ गए, ये देखें और जी बच्चे देखो, और भाई ने गाड़ी का और घोड़े का दोनों का मज़ा लिया, फुल एंजॉय किया। और आए तो गाड़ी के ऊपर बैठ ही नहीं रही थी, ये देखें बच्ची बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, तो भाई ने ही गाड़ी के घोड़े के मज़े ले लिए। यहाँ देखें, और फिर मैं कुछ और सामान भी लेकर आई हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये लेगिंग्स हैं दो और ये मैंने माही के लिए लेकर आई हूँ, ये इसमें वो ब्लू वाला कपड़ा है मेरा। और ये सूट मैंने लिए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ सही तरीके से। तो ये देखिए ये तीन सूट मैंने लिए हैं, दो अपने वास्ते, एक माही के वास्ते लिया है उमर ने, ये वाला येलो वाला। और जी अच्छे सूट मिले हैं, ये कॉटन के हैं, तो अभी मतलब मैं ज़्यादातर कॉटन या फिर रियॉन ही पहनती हूँ, इस वजह से फिर मैं वही लेकर आई। ये दो लेगिंग्स ली, ये ब्लू कपड़ा एक सूट का लिया और ब्लैक भी लिया पैंट सीने के लिए, ये मैंने अलग से लिया है। और जी
बच्चों के हगीज लेने थे वो भी ले लिए, और आया तो गाड़ी पर नहीं बैठ रही, तो हनी ने ही गाड़ी को फुल एंजॉय कर लिया। ये देखें, ये बेटी है मेरी क्यूट सी हनी मम्मा। और फ्रेंड्स, हमें काफ़ी भूख लगी है, तो भाई ने नूडल्स ले लिए थे ये देखिए खाने में, रात के खाने में खाने, क्योंकि हम लोग खाना खा के नहीं गए थे, तो मुझे काफ़ी भूख लगी है। मैं पहले उतार देती हूँ बुरखा और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ गए हैं घर सब सामान लेके, और जी बच्चों के लिए एक गाड़ी लेने के लिए गए थे और उसके एक और घोड़ा वगैरह भी ले लिए। फिर मुझे ड्रेस लेने थे, दो दो सूट मैंने अपने ले लिए और एक माही को है, और उसने लेगिंग्स वगैरह मंगाई थी, वो सब सामान है। मैं बुरखा उतार दी क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत सर में दर्द भी है। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।